अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने ये ऑर्डर की होगी क्लॉक, जिसके अंदर पेंडुलम भी है। इस तरह की कोई भी पेंडुलम वाली क्लॉक जब ऑर्डर करेंगे तो आपको ये चीज़ें रिसीव होंगी। एक पेंडुलम के मॉड्यूल रिसीव होगा, उसके अंदर मशीन जो सी है वो लगी होगी पहले से, और एक पेंडुलम जो सा है उसका इस तरह का या कोई भी डिफरेंट आर्टिकल जो सा वो रिसीव हो सकता है, और एक क्लॉक का डायल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उस साथ ये सुइयां मशीनें भी सुइयां भी होगी। तो ये भी जो सा ना आपने साइड पे रखते नहीं। अभी सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने ये क्लॉक के जो नट है मशीन का वो रिमूव करना है। जब इसको आप रिमूव कर लेंगे तो इसको आपने फिक्स करना है क्लॉक के डायल के अंदर, जो डायल होगा बड़ा वाला उसके अंदर फिक्स करने के लिए सिंपली आपने वो होल के अंदर प्लग कर देना है इसको, ऊपर नट के उसे उसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। और कोशिश करनी है कि जो 12 है उसके साथ ही ये हुक जो सी बनी हुई है इसको आप उसके अलाइन कर दें। ठीक है, तो जब इसको अलाइन कर लेंगे उसके बाद आपने मशीन जो सी है उसके अंदर नीडल्स फिक्स करने के लिए सबसे पहले नीडल्स ऑर्स वाली पकड़नी है और उसको उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए करने के बाद उसको थोड़ा फिक्स करना है, जब ये फिक्स हो जाए इसको वापस निकाल लेना और फिर इसको सीधा करके फिक्स करना है ताकि वो अपनी जगह बैठ जाए। इसी तरह और मिनट्स वाली नीडल जो सी है उसको भी एक दफ़ा उल्टा प्लग करना है ताकि वो उसका सुराग जो सा खुला हो जाए, और उसको दोबारा से आपने रिमूव कर लेना है और सीधा करके आपने एक दफ़ा इसको असम्बल कर देना है। मेक श्योर कि इसके दरमियान गैप हो, कोई सी टेढ़ी भी हो उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल गैप होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद सेकेंड वाली नीडल है वो हल्का सा आपने ऊपर रख के प्रेस कर देना है, हल्का सा बिल्कुल, ताकि फिक्स हो जाए। तो अभी ये मशीन आपकी चलने के काबिल हो गई है। अभी पेंडुलम वाला मैंने फ़िक्स नहीं किया, पर मशीन के लिए चलने के लिए मशीन के जो सेल हैं उसका ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। आपने देख लेना कि ये इसका भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसी तरह साइन हो, तो पॉजिटिव वाली जगह पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव वाला रखना है, और ये आपने प्लग कर देना है और ये मशीन जो सी है चलना शुरू हो गई है। ये आपका हो गया फर्स्ट फेज़। अब इसके बाद जो सा सेकंड फेज़ है वो पेंडुलम का है। सेकंड फेज़ के लिए आपने क्या करना है कि उसके नीचे ही जगह बनी हुई है सेकंड सेल की, तो उसमें भी इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हुए मशीन के साथ पेंडुलम वाली मशीन के साथ देखते हुए उसको आपने प्लग कर देना है। ये आपने प्लग कर दिया तो अब जो पेंडुलम है वो ऑटोमेटिकली जो सा ना आप ये देखेंगे कि ये चलना शुरू हो गया पेंडुलम, और ये तभी चलेगा जब वॉल पर आप इसको हैंग करेंगे, ऐसे आप पकड़ के रखेंगे तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि पेंडुलम जो सा है इसकी जो बैक साइड है वो अपनी तरफ रखते हुए इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। ठीक है, और इसको आप जब देखेंगे इसको इस तरह अगर आप देखें इसको तो ये पेंडुलम चलना शुरू हो गया। इसमें मसला ये आएगा, मसला अगर आ सकता है कि ये गैप इतना ना हो वॉल पे कि वो पेंडुलम जो सा है वापस में मतलब के वॉल से टच हो, तो आपने डबल टेल के थोड़े थोड़े पैचेस लगा देने थोड़ा इसको बाहर करने के लिए, तो इजीली जो सा ना ये पेंडुलम दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको बहुत शुक्रिया आपका।